अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इशरत फारूक और आप देख रहे हैं द स्ट्रेट लाइन। त्योहारों की बात हो या फिर शादी की बात हो, मेहंदी के बिना सब अधूरा है। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक मेहंदी आर्टिस्ट जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो आइए इनसे हम आपको मिलवाते हैं और इनसे कुछ सवाल करते हैं कि इनकी मेहंदी की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। सो महरीन, आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताइए। मेरा नाम महरीन कुलसुम है और मैं डोडा से बिलोंग करती हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक आर्टिस्ट भी हूँ। और मैं आपको ये कहूँगी कि मैं स्टडीज़ के साथ साथ अपने आर्ट को भी कर रही हूँ। और मेहंदी लगाने का मुझे बचपन से तो शौक़ नहीं था, लेकिन अब मैंने कोविड के टाइम पे, जबकि सारा मतलब पूरा इंडिया स्ट्रेस में था उस टाइम पर, तो मैंने खुद को बिज़ी रखने के लिए सोचा कि मैं कुछ करूँ। और क्योंकि उस टाइम पर हमारी स्टडीज़ भी नहीं हो रही थी, उस टाइम मेरा 12th हुआ था और अभी ग्रेजुएशन के लिए मेरे को एडमिशन वगैरह लेना था। तो मैं ऐसे ही बहुत सारी लड़कियों को देखती थी मेहंदी लगाते हुए शादियों में, वो ये, तो मेरा भी थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा इस चीज़ में। तो मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं बिज़ी भी रहूं और मेरी इनकम भी हो जाए थोड़ा बहुत। तो मैंने इंस्टाग्राम पे सोचा मैं पेज बनाती हूँ, और 2019 में मैंने इंस्टाग्राम पे अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाया और मेहंदी लगाना स्टार्ट किया। अलग अलग इंस्टाग्राम से और बाकी क्रोम वगैरह से मैंने फ़ोटोज़ वगैरह निकाली मेहंदी डिज़ाइन के, तो मैंने स्टार्ट किया वो करना। और थोड़ा थोड़ा करके मेरे 5-6 पोस्ट थे इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को ब्राइडल ऑफर्स आने लगे और मैंने अपने रेट्स वगैरह भी जो है वो जेन्युइन रखे थे, ताकि मतलब सारे मेरे को ऑर्डर्स दें। और जितना आप थोड़ा सा रखते हो थोड़ा उसका ना लेवल कम, तो फिर ग्रो हो जाता है ज़्यादा जल्दी आपका। जी, तो क्या आपको सिर्फ मेहंदी का शौक़ है या आप बाकी काम भी मेहंदी के साथ करते हैं, कुछ और भी शौक़ हैं आपके? नहीं, मेरा मेहंदी का भी है और मैं मेकअप का भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। अब मैंने प्रोफेशनल तो नहीं किया है उसमें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो भी कंटिन्यू करूँ। और साथ में मेरा स्टडीज़ का है कि मैं अभी सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, साथ में पीजी का एंट्रेंस भी दिया हुआ है। तो बस अभी फ़िलहाल इसको भी मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वो करके इसको छोड़ना चाहती हूँ, पर मैं उसको भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ क्योंकि इससे मेरा इनकम भी हो रहा है और थोड़ा बहुत मैं खुद को बिजी भी रख पा रही हूँ अच्छी चीज़ों में। बहुत अच्छी बात है महरीन। तो आप हमें बताइए, आपको फैमिली सपोर्ट करती है इस सब में? हाँ जी, बिल्कुल, मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव हैं। वो मुझे कहते हैं कि पढ़ाई के साथ तुम बाकी चीज़ें भी कर लो, जिसे क्योंकि क्या होता है, मोस्टली गर्ल्स को ज़्यादा बाहर जाने नहीं देते हैं, कि होता है ना थोड़े कंजर्वेटिव फैमिलीज़ होती हैं कि थोड़ा मुस्लिम गर्ल है तो कहाँ बाहर जाएगी मेहंदी लगाने, वो ये। लेकिन फिर मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया और उन्होंने मुझे अलाउ किया बाहर जाना भी, जैसे कि कभी नाइट शिफ्ट में भी होता है हमारा ब्राइड्स का, तो वो आराम से मुझे फिर जाने दे देते हैं अब। ठीक है महरीन, तो आपके जो फर्दर आप अपनी स्टडीज़ आप अभी क्या कर रही हैं? अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अभी मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ और साथ में फिर मैं पीजी कर लूँगी और साथ में ये भी कंटिन्यू करूँगी। तो महरीन, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, आपने मेहंदी कहाँ से सीखी है? मैंने खुद से सीखी, मतलब किसी को करते हुए देखा शादी में या कहीं बाहर, तो मेरा भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया इस चीज़ में कि मैं भी ट्राई कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पेंट करती हूँ अच्छी सी चीज़ें या कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने खुद से मतलब कुछ ईयर्स हो गए तो सीखा, प्रैक्टिस किया थोड़ा घर पर, फिर ऐसे कज़न्स वगैरह को बोलती थी आ जाओ मैं तुम्हें मेहंदी लगाती हूँ, तो कैसा रहेगा, वो हो जाता है, फिर फ्लो हाथ भी बैठ जाता है एक दो बार जब आप करते हो उस चीज़ को। लेकिन ऐसे ये नहीं कि मुझे पहले से ही इस चीज़ में था या कुछ भी। तो आप सेल्फ-टेट हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो आप हमें बताइए, आपकी पढ़ाई को इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ता, इस चीज़ से असर तो नहीं पड़ता आपकी पढ़ाई पर कि आपको टाइम नहीं मिल पाता है फिर अपनी स्टडीज़ के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये, क्योंकि स्टडीज़ में हम मोस्टली 5-6 आवर्स पढ़ते हैं पर डे, और मेहंदी का क्या होता है ये 3-4 आवर्स में फुल ब्राइडल आप कर लेते हो, और अगर आपको थोड़ा बहुत करना है तो उसमें 1 आवर 1.5 आवर हो जाता है ईजीली मैनेज। तो अब आप आगे क्या करना चाहते हैं, इसको साथ लेके चलेंगे या फिर एक कोई और प्रोफेशन आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, या फिर आपको सिविल सर्विसेज की आपने बात की जहाँ तक, तो उसमें तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ जी, मेरा क्या है कि मैं रात में भी पढ़ती हूँ और दिन में भी मैनेज कर लेती हूँ, और ज़्यादातर बुकिंग्स मेरी डे या नाइट में हो जाती हैं, पर उनका थोड़ा टाइम उतना ज़्यादा भी नहीं होता है। और पढ़ाई तो मैनेज करनी है और साथ में सिविल सर्विसेज का मुझे है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें यह है कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता है, और महीने में ये नहीं कि कंटिन्यूसली बुकिंग्स होती हैं आपकी, थोड़ा पॉज भी मिलता है आपको, पढ़ाई के लिए भी टाइम मिल जाता है और सारी चीज़ें ईजीली मैनेज हो जाती हैं।
तो आपकी कोई फ्रेंड्स वगैरह भी हैं जो जिनको इंस्पिरेशन, जिनने कहा कि हम भी अब स्टार्ट करना चाहेंगे या कुछ भी ऐसा, या जिसको देख के आपने स्टार्ट किया हो ये? नहीं, मैंने किसी को देख कर, मतलब यही कह रही हूँ ना, किसी एक होता है ना कि आपका होता है कि आपने इसको देखा तो फिर आप कर रहे हो। मैंने कभी शादी में, कभी कहीं और जाकर देखा, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा आ गया। फिर ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के इंसान को देख कर कहा कि मैं इस चीज़ को करूँ कंटिन्यू, खुद से ही फिर मेरे अंदर वो आया कि मैं इसको और परफेक्ट होने की कोशिश करूं, क्योंकि अभी परफेक्शन तो होती नहीं चीज़ों में स्टार्ट में, तो धीरे धीरे जब आप करते हो तो स्लोली स्लोली फिर आपकी ग्रोथ भी होती है अच्छी खासी। तो आपको लगभग कितना वक्त हुआ इस आर्ट को करते हुए? मैं 2019 दिसंबर से कर रही हूँ इस चीज़ को, और अभी मेरा चल रहा है। साथ में मेरा स्टडीज़ वगैरह था, तो मेरी बुकिंग्स वगैरह कुछ कुछ पेंडिंग रह जाती थी फिर इस वजह से, क्योंकि मैं अपनी स्टडीज़ को भी टाइम डिवोट करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक ही फील्ड में जाके फिर उस चीज़ को कंटिन्यू ना करूँ। तो अगर आपको बुकिंग्स आती हैं कहीं दूर से आती हैं, जो कि ट्रैवलिंग में थोड़ा इशू हो जाता है, तो उसका आप कैसे मैनेज करती हैं? अभी जो है फ़िलहाल मैं J&K में ही बुकिंग्स लेती हूँ, क्योंकि मैं डोडा में ही रह रही थी, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भदरवा कॉलेज से हुआ। तो मैं क्या कर रही थी, भदरवा, किश्तवाड़ और डोडा से बुकिंग्स ले रही थी मैं। लेकिन अभी जो है हम शिफ्ट होकर यहाँ आ गए फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो अब मेरा जो है जम्मू में ही बुकिंग्स वगैरह का ज़्यादा रहेगा, तो ट्रैवलिंग में फिर उतना इशू नहीं हो जाता यहाँ पे। हाँ, अलबत्त अगर आपको दूसरी सिटीज़ में जाना हो तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो आप चाहती हैं कि मेकअप सिर्फ आप मेकअप करें, या फिर आप ब्राइडल मेकअप का, या साथ में मेहंदी, दोनों करना चाहेंगे आप? मैं दोनों करना चाहती हूँ, क्योंकि मेहंदी को मैं छोड़ नहीं सकती, ये मेरा पैशन है। और साथ में मैं चाहती हूँ अगर मैं खुद को और इम्प्रूव कर सकूँ मेकअप में भी थोड़ा बहुत, अभी मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं उसमें भी करूँ, ताकि मेरा साथ में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी कंटिन्यू रहे। तो ये तो बहुत अच्छी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया महरीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ऑल द बेस्ट आपकी पढ़ाई के लिए भी, सिविल सर्विसेज के लिए भी, और एज वेल एज आपका जो आर्ट है उसको भी आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए, खैर बातचीत तो हो गई महरीन आपसे, तो अब आप बताएं कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, कोई मेहंदी लगवाना चाहे, तो आपका क्या कांटेक्ट है, आप कैसे कांटेक्ट करते हैं आपको? मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है अपना, मेहंदी आर्ट, हिना आर्ट बाय महरीन उसका यूज़र नेम है। वो मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये थी महरीन हमारे साथ, एक मेहंदी आर्टिस्ट जो कि डोडा से बिलोंग करती हैं, और आप, मैंने भी इनसे मेहंदी लगवाई है, तो आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी, तो आप इनसे ज़रूर मेहंदी लगवाइएगा। तो महरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ट्रेड लाइन से जुड़ने के लिए शुक्रिया।